तुम सभी को एही वीडियो रे स्वागत करुचु। पूर्व वीडियो रे आमे विभाजन सूत्र उपरे आधारित केतक उदाहरण देखिले। आज आम देखिबा जे एभली प्रश्नर समाधान करिबा समय रे साधारणतः केउं भूल होइथाय। बिंदु ए ऋणात्मक एक तीन एवं बिंदु बी नौ आठ को जुग करुथिबा रेखाखंड को बिंदु पी केउं अनुपात रे विभाजित करे। जदि बिंदु पी रेखाखंड एक्स वियोग वाई जोग दुई समान शून उपरे अवस्थित तेबे पी बिंदुर स्थानांक निर्णय कर। निम्नोक्त उत्तर मध्यरु केउंटी ठीक? प्रश्न को समाधान करिबा पाई वीडियो को अल्प रोकि निज उत्तर को मिलेकी देख। धरा जाउ बिंदु पी रेखाखंड ए बी को के अनुपात एक रे विभाजित करे। तेबे तुम्हें कौन पी र स्थानांक एक्स वाई र मान निर्णय करि पारिबो? बिल्कुल ठीक। विभाजन सूत्र द्वारा पी र स्थानांक न के वियोग एक विभक्त के जोग एक एवं आठ के जोग तीन विभक्त के जोग एक हेब। जेहेतु बिंदु पी रेखाखंड एक्स वियोग वाई जोग दुई समान शून उपर अवस्थित एणु एही समीकरण रे एक्स एवं वाई रो मान स्थापित करी समाधान कले आमको के रो मान दुई विभक्त तीन मिले। जहाद्वारा आम कहीपर जे ए बी रेखाखंड को पी बिंदु दुई अनुपात तीन रे विभाजित करे। जेहेतु वर्तमान आमको पी रो अनुपात जणा एणु विभाजन सूत्र द्वारा उपलब्ध पी रो स्थानांक रे के रो मान स्थापित करी पी र स्थानांक तीन पांच बोली जानी परिबा। एणु विकल्प तीन ही ठीक उत्तर। जदि तुम्हें विकल्प एक बाछी छ तुम्हें भल भाव चेष्टा करिछ किंतु यह उत्तर भूल अटे। जेहेतु तुम्हें विभाजन सूत्र रे एक्स समान एम एक्स दुई जोग एन एक्स एक विभक्त एम जोग एन वाई समान एम वाई दुई जोग एन वाई एक विभक्त एम जोग एन परिवर्ते एक्स समान एम एक्स दुई वियोग एन वाई दुई विभक्त एम वियोग एन वाई समान एम एक्स एक वियोग एन वाई एक विभक्त एम वियोग एन व्यवहार कर। जहाँ समाधान कले के रो मान सात विभक्त बार हुए एवं यही मान स्थापित करी समाधान कले बिंदु पी रो भूल स्थानांक उत्तर भावरे मिले। जदि तुम्हें विकल्प दुई को बाछी छ एथर मध्य तुम्हें भल भावरे चेष्टा करी छ किंतु यह उत्तर भूल अटे। कारण तुम्हें विभाजन सूत्र रे एम जोग एन परिवर्ते एम वियोग एन व्यवहार कर दि। फलरे के रो मान दुई मिले एवं यही आधार रे पी बिंदुर स्थानांक तुम्हें निर्णय कर एवं तुम्हारा उत्तर भूल हो जाए। आशा करुछु
ତୁମେ ବୁଝି ସାରିଥିବ ଉଦାହରଣରେ ବିକଳ୍ପ ତିନି ହିଁ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କାହିଁକି ଭୁଲ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହିଭଳି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କର ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି।